सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेरे खूबसूरत से गांव रौली गांव से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है खूबसूरत से दिन के साथ और अभी टाइम हो रहा है दिन के 12 बज चुके हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे घर के आंगन से। तो जैसे कि अभी 12 बज चुके हैं तो हमारा लंच बनाने का टाइम भी हो चुका है। तो आज के लंच में बनाने जा रहे हैं हम पहाड़ी स्पेशल गहत का फाड़ू। तो गहत के फाड़ू को भात के साथ खाया जाता है और उसकी दाल भी बनती है और फाड़ू भी बनता है और उसके पराठे भी बनाए जाते हैं गहत के। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन में और मैं और माँ मिल के बनाएंगे गहत का फाड़ू। तो माँ को ही आता है गहत का फाड़ू बनाना, मेरे को तो आता है लेकिन माँ का तरीका अलग है गहत का फाड़ू बनाने का और मेरा अलग है। मैंने अपनी सासू माँ से सीखा था गहत का फाड़ू बनाना लेकिन माँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती है गहत का फाड़ू। तो मैंने सोचा क्यों ना आज माँ के साथ गहत के फाड़ू बनाने की अलग तरीके से रेसिपी सीखी जाए और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। गहत का फाड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हमें गहत की ज़रूरत हो पड़ती है। तो ये हमारे अपने घर के ही गहत हैं हमारे खेतों के और माँ ने इस कढ़ाई में गहत को कल रात को भिगा के रख दिया था और गहत के दाने अच्छे से भीग चुके हैं और फूले फूले रेडी हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं गहत के दाने अच्छे से प्रेस हो रहे हैं उंगलियों से ही, उसका मतलब अच्छे से भीग रखे हैं गहत के दाने। और यहाँ पे हमने तड़का बनाने के लिए 2 प्याज और 6-7 लहसुन की कलियाँ ले रखी है और 3-4 मिर्चें और ये धनिया के हरे पत्ते हैं गार्निशिंग के लिए। और फाड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए घी। तो ये देख सकते हैं ये हमारे अपने घर का ही घी है, तो माँ ने कटोरी में निकाल के रख दिया है। और इस मसाला दाने में हमने मसाला रखे हुए हैं, फाड़ू में जो भी मसाले ऐड होंगे तो हमने यहाँ पे निकाल के रख दी है मसाला दानी भी। तो फाड़ू बनाने के लिए हमें गहत को सबसे पहले पीसना पड़ेगा। तो ये है हमारा पहाड़ी सिलबट्टा, तो सिलबट्टे में पीसे गए गहत का फाड़ू बहुत ही टेस्टी होता है। तो सबसे पहले हम गहत को सिलबट्टे में पीस लेंगे बारीक करके। तो सिलबट्टे में गहत को पीसने का काम माँ करेगी क्योंकि माँ अच्छे से पीस लेती है सिलबट्टे में। तो कढ़ाई में जितने गहत भिगो के रखे थे मैंने सारे गहत सिलबट्टे में पीस के अच्छे से तैयार कर लिए हैं फाड़ू बनाने के लिए और गहत को मैंने बारीक पीसा है। तो गहत जितने बारीक पीसेंगे फाड़ू उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस थाली में मैंने 2 प्याज, 3 हरी मिर्च और 8-9 लहसुन की कलियाँ और ये धनिया के पत्ते पहले से छिलके रखे हुए हैं तड़का बनाने के लिए। तो पहले मैं तड़का बनाने के लिए लहसुन और प्याज और ये हरी मिर्च काट लेती हूँ। तो मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया काट के भी रेडी कर दिया है और अब मैं पिसे हुए है गहत को इस थाली में निकाल लूँगी। तो मैंने चूल्हे में भी आग जला ली है पहले से ही और कढ़ाई भी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। अब करते हैं गहत के फाड़ू बनाने की आगे की प्रोसेस शुरू। तो यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और इस कटोरी में मैंने 2 चम्मच घी ले रखे हैं। तो ये हमारे अपने घर का ही घी है। तो गहत के फाड़ू बनाने में घी का प्रयोग करने जा रही हूँ मैं और जितना हम ज़्यादा घी डालेंगे उतना फाड़ू टेस्टी बनता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। खूब सारा घी डालूंगी मैं इसमें 2 चम्मच। तो घी भी पिघल चुका है और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें ये जखे के दाने तड़के के लिए। तो हमारे पहाड़ी लोग हर डिश में जखे के दानों का प्रयोग करते हैं तो मैं भी इसमें जखे के दाने का प्रयोग कर रही हूँ, ये देख सकते हैं। और थोड़े से मैं इसमें जीरे के दाने भी डालने जा रही हूँ। जखिए और जीरे के दाने चटकने लग गए हैं और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें कटे हुए लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन की कलियाँ भी ब्राउन हो चुकी हैं और इसमें अब डालने जा रही हूँ मैं कटे हुए प्याज और ये हरी मिर्च।
तो मैं इसमें हरी मिर्च का प्रयोग कर रही हूँ, और आप इसमें लाल और हरी दोनों तरह की मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च काट रखी है क्योंकि हम लाल मिर्च पाउडर कम खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाल रखी है काट के। तो प्याज को जल्दी पकाने के लिए मैं इसमें डालने जा रही हूँ आधा चम्मच नमक। तो मैंने तड़के बनाने के लिए प्याज, हरी मिर्च और लहसुन की कलियों का ही प्रयोग किया है, तो मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें टमाटर का प्रयोग भी कर सकते हैं तड़का बनाने के लिए, तो मैंने टमाटर इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पापा को फाड़ में टमाटर खाना पसंद नहीं है। तो हमारे प्याज भी अच्छे से भुन के तैयार हो चुके हैं, और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें मसाले। तो एक चम्मच डालूँगी मैं धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी मैं आधे चम्मच के करीबन लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर है, कलर के लिए डाल रही हूँ। और एक चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और ये है लौंग और काली मिर्च का पाउडर, तो उसको भी मैं आधा चम्मच डालूँगी। तो मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तो मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी। तो हमारे मसाले भी अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं, और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें ये सिलबट्टे में पीसे गए गहत। इनको थोड़ी देर मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो गहत भी अच्छे से भून के तैयार हो चुके हैं, और अब डालने जा रही है मैं इसमें ये गरम पानी। तो इस लोटे में हमने पहले से गरम पानी लेके रखा है, और थोड़ा सा इस थाली में भी डाल दिया है ताकि बचे कुछ गहत हैं वो भी हम कढ़ाई में डाल दें। तो गरम पानी का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो गहत में कच्ची स्मेल रहती है वो ना आए। तो मैंने कढ़ाई में दो लोटे पानी ऐड कर दिए हैं, और अब चार से पांच उबाल आने तक हम फाड़ों को चूल्हे पर ही चढ़ा के रखेंगे, और करछी की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि फाड़ों नीचे ना लगे। तो गहत का फाड़ भी बनके हो चुका है तैयार, और इसमें काफ़ी खदे लग चुके हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ापन भी आ गया है गहत के फाड़ों में। और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें कटे हुए धनिया के पत्ते। और अब मैं कढ़ाई को नीचे उतार लूँगी। तो कढ़ाई भी मैंने नीचे उतार ली है, और गरम गरम भाप निकल रहा है फाड़ों से, और ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा फाड़ो बनके तैयार हुआ है, टेस्टी टेस्टी। और हम पहाड़ी लोग गहत के फाड़ों के साथ चावल खाना पसंद करते हैं, और माँ ने चावल बना के पहले से ही रेडी कर दिया है, और माँ भी आ चुकी है, और अब हो रही है हमारी लंच करने की तैयारी। तो गहत के फाड़ों को हमारे पहाड़ी लोग हर मौसम में खाना पसंद करते हैं, और गहत का फाड़ों हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होता है, इसलिए हम पहाड़ी लोग गहत के फाड़ों को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो माँ परोसने जा रही है अब लंच, तो सबसे पहले पापा के लिए परोसेगी माँ थाली। काम दे रही मैं बस। मेरी लंच की थाली भी लग के तैयार हो चुकी है। तो आज के लंच में चावल, फाड़ू और ये दो हरी मिर्च, और ये थोड़े से प्याज लिए हैं माने सलाद में।
तो अब करते हैं लंच का लुफ्त उठाना शुरू, और आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में लंच करने के बाद। तो अभी कर रही हूँ मैं मूली के बीज की कुटाई। तो ये देख सकते हैं ओखल में कर रहे हैं हम मूली के बीज की कुटाई। तो थोड़ी देर पहले माँ ने सामने डंडे की मदद से की थी उसकी मनाई, लेकिन अच्छे तरीके से हो नहीं पाए, तो इसलिए हम ओखल में कूट रहे हैं मूली के बीज को। इधर और ये मैंने छुपरा लगा रखा है, और ये देख सकते हैं गंजरा। हमारे पहाड़ में कुछ इस तरीके से की जाती है बीजों की कुटाई। तो इस थाली में थोड़ा सा बीज निकाल दिया है माँ ने, और जो मोटा मोटा रह गया था वो ओखल में डाल दिया है कूटने के लिए। तो सारा बीज कूट दिया है मैंने अच्छी तरीके से। सारी फलियाँ देख सकते हैं चूर चूर हो चुकी है, और अब माँ इसको बीज अलग करेगी, और जो ये भूसा है उसको अलग। तो मैंने सारा भूसा भी अलग कर दिया है, ये देख सकते हैं इतना सारा भूसा निकला है, और बीज कितना थोड़ा सा निकला है इतने सारे बीज में से। तो इतना बीज काफ़ी है ये अगले साल के बोने के लिए, बाजार से नहीं लाना पड़ेगा अगले साल। रंशु आप क्या कर रहे हो? नहीं वहाँ मत छोड़ो, उस वो गंदा लग रहा है, छीछे लग रहा है रंशु, छीछे लग रहा है। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और साथ में जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।